तूने एक काम तो बहुत बढ़िया कर दिया, अब CAA और NRC लगाकर अब तो घुसपैठियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया कर दिया। तो क्या कर दिया मोदी ने? अच्छा बताओ, हमारे मुस्लिम भाइयों को बाहर निकाल दिया, हमारी मस्जिदों को तोड़ दिया, बताओ क्या अच्छा कर दिया? कौन बोल रहा है मोदी जी? देश के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल रहे हैं, कौन बोल रहा है? वो तो केवल घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल रहे हैं। जो इस देश का मुसलमान है वो इसी देश में रहेगा। ऐसा है तो CAA और NRC इस देश में क्यों लागू है मुसलमानों भाइयों के लिए? भाई हिंदुओं पर क्यों लागू करें? अगर हिंदू परेशान होगा तो हिंदुस्तानी तो आएगा ना, और हिंदुओं का एक ही तो देश है केवल भारत। ये गलत हो रहा है हमारी कौम के साथ, हमारे को मजबूर मत करो याद करवाने में। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो बाहर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है जो घुसपैठियों को सपोर्ट करे। हिंदुस्तान तेरे बाप का है, मुगलों ने इतने साल राज किया है, हमारा भी हक बनता है इस देश में रहने का। अगर तुम्हारा इस देश में इतना ही हक है तो इस देश के मुसलमान डर क्यों रहे हैं? जिस देश के नागरिकों को डरने की क्या जरूरत है? ओ भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में? क्यों इस देश का भाईचारा खराब कर रहे हो लड़के? तू कौन होता है बोलने वाला है? अब इस देश में जिहाद होगा, जिहाद रहेगा। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्यों लड़ रहे हो तिरंगे के सामने? क्यों इसके सामने लड़के तिरंगे का अपमान कर रहे हो? अगर तुम लोगों को लड़ने का इतना ही शौक है तो जाओ आर्मी में भर्ती हो, वहाँ लड़ना बॉर्डर पर देश के लिए। अगर तुम लोग यहाँ लड़ोगे, कोई मारा गया ना तो वो गुंडागर्दी दहशतगर्दी कहलाएगी, और बॉर्डर पर लड़ोगे ना तो शहीदों की शहादत कहलाएगी। देश की शहीदों की शहादत को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। लेकिन ये तो सर मोदी को गलत ठहरा रहे हैं। तो कहने दो ना इन लोगों को, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है। अगर किसी को लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है तो सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। यस सर। समझाओ इनको वरना बहुत भारी पड़ेगा। भाई देखो, तुमको विरोध करने का हक है, अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हिंसा का हक किसी को नहीं है। माना तुम सब स्वतंत्र हो, तुम विरोध कर सकते हो, लेकिन हिंसा दंगे नहीं कर सकते, ये सब हमारे संविधान के खिलाफ है। सर ये सभी मुसलमान तो एक जैसे हैं, देशद्रोही। नहीं 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 नहीं, सारे मुसलमान देशद्रोही नहीं होते, और जो देशद्रोही होते हैं आतंकवादी होते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। ये लोग तो सिर्फ धर्म को बदनाम करते हैं। हमारे आर्मी में भी कुछ मुस्लिम हैं जो सिर्फ अपने फर्ज के लिए लड़ते हैं। अच्छा ऐसा भी होता है आर्मी में? हाँ। चलो तो मैं किस्सा बताता हूँ हमारी बटालियन के साथ एक बार क्या हुआ था। तुम्हारा काम नहीं है समझाने बुझाने का, तुम क्या जानो देश का हाल? तुम तो सड़क पे रहते हो। हमारे आदरणीय नेताजी, आप सिर्फ विपक्ष में बैठकर लोगों को भड़का सकते हो, आप क्या जानो सरहद पर क्या होता है, एक फौजी क्या करता है। चलो तुमको भी एक हिस्सा बताता हूँ अपने बटालियन का। जिन्हें मजहब से गद्दारी ना हो, इस्लाम यही सिखाता है, और जो मुसलमान होकर हिंदुस्तानी का साथ दे वो काफिर कहलाता है। जी तो करता है तुझे छक्के में काट दूं, और सच्चा मुसलमान हूँ, तुझे हलाल करके तेरे टुकड़े करूंगा। अपना और हमारा वक्त जार मत करो, अगर सच्चे मुसलमान हो तो साबित करो, उतार फेंको उस नापाक तिरंगे को। मर गया तो शहीद कहलाऊंगा, लोग देशद्रोही कहेंगे अगर तिरंगे को छुपाया। सच्चा मुसलमान हूँ, अपनी कौम पर दाग नहीं आने दूंगा।
भाई अब समझे तुम लोग, हम सब एक ही है, हमारा खून एक ही है, हम लोग हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तानी है। सर हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम दंगे फसाद नहीं करेंगे और हम सब मिलजुल के रहेंगे, हम एक हिंदुस्तानी है। सर हम देश में मिलजुल कर रहेंगे और सुख शांति से रहेंगे। ऐसे ही नेताओं ने हमारा दिमाग भ्रष्ट कर रखा है। शांति से चले जाओ यहाँ से, जान प्यारी है। तो नहीं कहती, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। डर का चश्मा उतार कर तो देखो यारो, पता चलेगा कि नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद, जय भारत।